आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया 6 सितंबर को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। ये दोनों कोई पहले खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने खेल करियर के बाद राजनीति में कदम रखा हो। पहले भी कई खिलाड़ी राजनीति में आते रहे हैं, अलग अलग पार्टियां ज्वाइन करके राजनीति करते रहे हैं, अपना एक दूसरे से विरोध भी जताते रहे हैं। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की कांग्रेस पार्टी में एंट्री पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्होंने यहां तक आने के लिए जो राजनीतिक पैंतरेबाजी की है उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जिस विनेश फोगाट पर पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए सरकार ने करीब 70 लाख रुपए खर्च किए हों, अब वो विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उसी सरकार के खिलाफ बोल रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार रेसलर विनेश फोगाट ने दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन रेसलिंग में 53 किलोग्राम के फाइनल में पहुंचकर ओवरवेट होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था, जिसके बाद विनेश की तबीयत खराब हो गई। उन्हें खेल गांव के पोली क्लिनिक में एडमिट कराया गया। वहीं विनेश से वहां मिलने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा भी पहुंची थी। दोनों की एक फोटो खुद पीटी उषा ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी जब वो क्लिनिक में थी। हालांकि रेसलर ने बताया था कि वो फोटो उन्हें बिना बताए खींची गई थी। विनेश का दावा है कि उन्हें पीटी उषा से कोई समर्थन नहीं मिला। पीटी उषा मैडम अस्पताल में मिलने आई थी, उस वक्त आप ये दिखाते हैं कि आप मेरे साथ हैं, विनेश ने कहा था कि आप बिना बताए फोटो खींच रहे हो, फिर सोशल मीडिया पर डाल के बोल रहे हो कि हम साथ खड़े हैं, ऐसे कोई सपोर्ट नहीं होता। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद विनेश किस सपोर्ट की बात कर रही हैं, जबकि मनसुख मंडाविया ने 7 अगस्त को लोकसभा में बताया था कि विनेश फोगाट को ओलंपिक की तैयारी के लिए काफी मदद दी गई थी, उनके लिए स्पेशल पर्सनल ट्रेनर नियुक्त किए गए थे। हंगरी के एक्सपर्ट कोच बोलोर अकोस और फिजियो अश्वनी पाटिल को उनके लिए नियुक्त किया गया था। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट और स्पार्जरिंग पार्टनर लगाए गए थे। इन सब का पैसा सरकार की ओर से दिया गया था। खेल मंत्री ने बताया कि विनेश की ओलंपिक की तैयारी पर सरकार 70,45,775 रुपए खर्च किए थे। इतना ही नहीं, वर्ष 2023 की शुरुआत में 18 जनवरी को जब ये सभी पहलवान धरने पर बैठे थे, तब पीटी उषा खुद इनसे मिलने प्रदर्शन स्थल पर एक बार गई थी, लेकिन वहां पहलवानों के समर्थकों ने उनके साथ बदसलूकी की। जिस प्रदर्शन को ये पहलवान गैर राजनीतिक प्रदर्शन बता रहे थे, वहां मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए जा रहे थे। और हालांकि देखते ही देखते हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई नेताओं और खाप नेताओं ने प्रदर्शनकारी पहलवानों से मुलाकात की और अपना समर्थन दिया। यौन उत्पीड़न प्रदर्शन के नाम पर 2023 से लेकर अब तक आगे क्या क्या हुआ, ये हर मीडिया में है और ये सवाल भी है कि क्या ये सब राजनीति के लिए हो रहा था। लेकिन अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस में शामिल होकर उन सवालों का जवाब दे दिया है। राजनीति में करियर शुरू करने के लिए उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, उसके कारण भविष्य में खेल खिलाड़ियों की साख पर गंभीर सवाल पैदा हो सकता है। अगर कल को किसी खिलाड़ी के साथ खेल क्षेत्र में कुछ भी गलत होता है और वो सामने आकर अपनी बात रखता है, तो क्या कोई बिना सबूत के यकीन कर पाएगा कि ये कोई राजनीति नहीं थी? लोग तो उस खिलाड़ी जो वास्तविक में पीड़ित होगा उसे भी शक की निगाह से देखेंगे, उसमें भी राजनीति खोजेंगे, उस पर भी सवाल खड़े करेंगे। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।